अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया, मैं अच्छा खासा पोल था वायर बना दिया। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तैयार हो जाइए हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, उठा के लगाने के लिए और जिंदगी में कुछ ऐसा सुनने के लिए जो न केवल खूबसूरत हो बल्कि दिल के करीब भी हो। वो बातें जो दिल के करीब होती हैं वो अगर दिल से जहन तक पहुंच जाती हैं तो वहां जाके अपना घर बना लेती है, और जब घर बना लेती है तो जिंदगी में कुछ यादें जोड़ देती है, और जब यादें जोड़ देती हैं तो जो समय बीत जाता है, अतीत चला जाता है, वर्तमान में जब कभी वो अतीत याद आता है तो चारों तरफ एक ही आवाज आती है, भाई वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या पल थे, वो भी क्या क्षण थे। आइए इन पलों के लिए हम कहें वाह भाई वाह। सेलिब्रेट वाह भाई वाह को पार्ट बाय जी इंफ्रा। मैं आपका दोस्त चैलेंज बोल। मेरी जिंदगी में भाषा का बड़ा कमाल है, लेकिन हर भाषा हर काम करे जरूरी तो नहीं। जैसे हमारे एक मित्र, उनको मैं सिखा रहा था कि हिंदी महान भाषा है भी, मैं जो कुछ हूँ हिंदी की वजह से हूँ, जहाँ कुछ पहुँचा जिंदगी में वो हिंदी की वजह से पहुँचा। तो मैंने कहा हिंदी बोला करो हमेशा, बहुत बढ़िया चीज़ है। 3 दिन बाद आपकी हिंदी के चक्कर में लड़की निकल गई। मैंने कहा क्यों? पहली बात तो आपकी हिंदी कैसे, आप ही कह रहे थे हिंदी बोलो हिंदी बोलो, आपके हिंदी के चक्कर में लड़की निकल गई। मैंने कहा कैसे निकल गई बता दो। एक लड़की थोड़ा मुस्कुराई, हम भी थोड़ा मुस्कुराए, हम मुस्कुरा के हमें लगा थोड़ी बात आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी मतलब हम पे जरा सी थक जाओ यार। हाँ मैंने कहा समझ लिया कि आप पे जरा सी फिदा थी। हाँ वही वही वही। तो हम जरा पास गए, नजदीक गए, बात करने चालू की। दोस्त ने कहा अच्छा नंबर दे दो अपना, नंबर फ़ोन नंबर दे दो। हमने फ़ोन नंबर देना शुरू किया, आपने कहा हिंदी में बोला, हमने हिंदी में नंबर देना शुरू कर दिया। मैंने कहा 89 82 77। वो बोल रहे रहने दो भैया, रहने दो भैया, तुरंत भैया बोल दिया। लेकिन देखिए भाषाएं सारी महान होती है, तो किसी ने किसी से पूछा कि आखिर भाषा है क्या। 2-3 लोग खड़े थे, भाई भाषा क्या होती है? तो एक ने कहा जो माँ हमें बचपन में सिखाती है वही भाषा होती है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, माँ तो हमें बचपन में बहुत सारी बातें सिखाती है, लेकिन बड़े होकर हम बदलते हैं, अपना अंदाज बदल देते हैं, तो जो हम संप्रेषण के काम में लेते हैं, बातचीत के काम में लेते हैं, वो भाषा होती है। तीसरा बोला बहुत गलत बात है भैया, ये कोई भाषा वाषा नहीं होती है, हम बताते हैं भाषा क्या होती है। गाड़ी भिड़ जाने पे, किसी का धक्का लग जाने पे, चाय छलक जाने पे, मोबाइल छूट जाने पे, मुंह से जो पहली बात निकले वही भाषा है, बाकी तो सब व्याकरण है, वही भाषा है। अरे तेरी बाकी तो सब व्याकरण ही है। कितने महान लोग हैं हमारे यहाँ यार, कमाल के लोग हैं। एक लोग आया मेरे पास, बातचीत से मुझे याद आ गया, उदास सा, इतना उदास क्या, कल रात को सारी रात पड़ोसन से फोन पे बात किया। मैंने कहा उसमें उदास होने की क्या बात है, सारी रात बात की, कईयों को कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, अरे सारी रात बात की हमने। तो मैंने कहा उदास क्यों है, सुबह हमें कॉल करके बोलती है अच्छा हुआ तुमने फोन नहीं किया, फोन सासू माँ के पास था। यानी कि कुल मिला के बातचीत जब की जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास बातचीत की एक अनूठी कला होती है, और वैसे 3 लोग हमारे साथ हैं, और वो तीनों जब आपके बीच आके अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो आप उनके लिए कहेंगे वाह भाई वाह। उनमें से एक नाम ऐसा है जिन्हें मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, लखनऊ में रहते हैं, अपने किस्म के अनूठे व्यंगकार हैं, हास्यकार हैं, और अपने अंदाज में बात करते हैं। मैं उन्हें प्यार से कहता हूँ सुकुपा सुकुपा। ये सुकुपा है सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से। चांद चुरा के लाया हूं आज, मैं भी आपके लिए चांद चुरा के लाया हूं। इधर एक चांद है, इधर जुल्फे है लहराती भी। ये लखनऊ से है, ये बनारस से है, और ये भी कमाल का व्यक्तित्व है। अनिल चौबे अपने अंदाज में जब बात करता है तो बड़े खास अंदाज में बात करता है, सब उसके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। बनारस का पंडित अनिल चौबे और इन दोनों के बीच में एक ऐसी प्रतिभा जिसे पहली बार टेलीविजन पे हम लेके आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ढूंढ के लेके आऊं प्रतिभाएं जो इस देश में कहीं भी हो, और उसी कल में हम पहली बार
बिहार की रहने वाली, जो मूलतः दरभंगा की है लेकिन रहती बिहार शरीफ में, वहां से हमारे बीच में आती है अल्पना भारती। हम जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं सूर्य कुमार पांडे। कुछ यादें हैं जो जीवन से कभी निकलती नहीं, व्यक्ति उन्हें भूल नहीं पाता। ऐसी चार पंक्तियां सुनाता हूं। सुनाइए। जब मिली थी वह सितंबर, वह सितंबर याद है। जब मिली थी वह सितंबर, वह सितंबर याद है। पीछा करने में पड़े कितने डिवाइडर याद है। और उसके मोबाइल का नंबर तो पता मुझको नहीं, पर पड़ी जो सैंडलें उन सब का नंबर याद है। वाह वाह। अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। वाह। मैं अच्छा खासा पोल था, वायर बना दिया। अब पंक्तियां संभालिए। हाँ। और वह कर रही है बैटिंग किसी और की पिच पर, ओपनिंग प्लेयर को थर्ड अंपायर बना दिया। अरे वाह, जब इस देश के बुजुर्ग इतने शरीफ हों। बुजुर्ग भी कभी जवान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लग भी रहा है। आप घोषित कर रहे हैं कि बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग नहीं हूं मैं, जवान हूं। हाँ। मेरे दाने दाने पर खाने वाली का नाम लिखा। मेरे दाने दाने पर खाने वाली का नाम लिखा, जिस चिड़िया ने चुगा और के दाने चुगना भूल गई। आहा, आहा। और इतनी जुल्फों के साये में मैंने उम्र गुजारी है, बिना धूप के खुद की जुल्फें तब से उगना भूल। बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो क्या है? क्या है घर की स्थितियां? सुनिए। सुनाइए। कि छूना मना है, हाई वोल्टेज करंट है। छूना मना है, हाई वोल्टेज करंट है, करंट है। हर बात पे हो जाया करती एरोगेंट है। और इनकम से अधिक टैक्स जो मुझसे वसूलती, वाइफ मेरी वाइफ नहीं है, गवर्नमेंट है। वाह वाह। गवर्नमेंट है। और कमरे की लागत से अधिक इसका रेंट है। और मेंटेनेंस से अधिक इन्वेस्टमेंट है। और ब्यूटी पार्लर का धंधा इससे बरकरार, जितना है डेंट उससे अधिक इसमें पेंट है। बहुत अच्छे। सेल में भी नहीं बिकने लायक थी जो, और अचानक ही MRP बढ़ गई। और जब से जाने लगी ब्यूटी पार्लर में, वो रोड पर उसकी TRP बढ़ गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सूर्य कुमार पांडे जी, आपकी जुल्फे उगना भूल गई, छूना मना है, इतना हाई वोल्टेज करंट है। वैसे होता है कि हम इशारों इशारों में बड़ी कमाल की बात कह देते हैं। और एक ऐसा ही बड़ा कवि हमारे बीच में है जो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, बड़ी सोच समझ के बात करता है और बड़े खास अंदाज से बात करता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है, वो खास अंदाज से अपनी बात करता है और बातों ही बातों से बात निकाल देता है, इशारों में बात करता है। बनारस से हमारे बीच में अनिल चौबे। जोरदार तालियों से। प्रेम निवेदन का नया तरीका। अच्छा। आधुनिक आशिक प्रेम का निवेदन करता है प्रेमिका से। कि तनखा अकाउंट किया है कि नैनों ने। तनखा अकाउंट किया है कि नैनों ने। वाह। तनखा अकाउंट किया है कि नैनों ने, दिल का आधार लिंक दिल से कराओ ना। अमन की मेमोरी में किया है रूप सेव तेरा,
इसे स्वीकारने को ऑनलाइन आओ ना कि प्रेम का प्रपोजल किया है सेंड प्राण प्रिय इसे स्वीकारने को ऑनलाइन आओ ना रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो जान लेवा फोटो प्रोफाइल पे लगाओ ना जानलेवा फोटो और स्टेटस भी ऐसे लगाती है प्रेमिका मानती नहीं अरे पूछो मत मैंने कहा स्टेटस पढ़ा जिसके बैठने से सोफा 8 इंच अंदर जाता हो उसने स्टेटस लिखा था मुझे पलकों पे उठा लो सजना अक्सर में सर प्रेमिकाएं दो तरह की होती है अच्छा एक ही मिल जाए इधर तो एक वो होती है जिनके मुंह में हल्का सा मेकअप होता है और एक वो होती हैं जिनके मेकअप में हल्का सा मुंह होता है अब वो कितना मना रहा है प्रेमिका मान नहीं रही है प्रेमी निवेदन करता है कि बोलने में ना ही साथ चलने में ना ही जाने कैसे प्रेम का भी तान तानती हो तुम हाय हाय क्या बात है यार बोलने में ना ही साथ चलने में ना ही जाने कैसे प्रेम का भी तान तानती हो तुम और चूक पर ना ही नोटबुक पर ना ही हर लूक पर ना ही की ही रार ठानती हो तुम हर लूक पर ना ही की ही रार ठानती हो तुम डेट पर ना ही चेट पर ना ही और मैसेज मनाने की मना ही मानती हो तुम जाने किस कॉन्वेंट में करी हो पढ़ाई तुम नाही 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 बस नाही जानती हो तुम बस नाही जानती हो तुम क्या बात शिकायत जायज है उसे पूरा विश्वास होता है कि ये आएगी नहीं गुस्से में आके कहता है किसी का प्यार हो कोई कर्ज या उधार थोड़ी हो अभी तक मिल न पाई हो कोई रोजगार थोड़ी हो भरोसा क्या है कि 24 में तुम आ ही जाओगी किसी की प्रेमिका हो तुम कोई सरकार थोड़ी हो सर शहर के प्रेमी और गांव के प्रेमी में अंतर होता है दोनों के अंतर का एक्शन सुनिए कि शहर के प्रेमी अति आधुनिक प्रेमिका से प्यार जो किए तो जिंदगी संवार लेते हैं दिल के एयरपोर्ट पर कभी कल्पना में एरोप्लेन वाली प्रेमिका उतार लेते हैं गांव वाले प्रेमी बड़े होते हैं निराले वो तो खेत खलिहान में डीपी निहार लेते हैं ऑनलाइन प्रेमिका की चुपचाप चुम्मा लेके एक क्षण में ही सदियां गुजार लेते हैं एक पल में ही बहुत बढ़िया आदिल बहुत अच्छे हमने प्रेम के दो रूप देखे एक जिनको उस उम्र की सैंडल अभी तक याद है एक ये जो ऑनलाइन चुपके से ही चुम्मी लेके सदियां गुजार देते हैं प्रेम है ये तो किसी भी दृष्टि से हो सकता है और सृष्टि में कहीं भी हो सकता है और प्रेम जरूरी नहीं है कि प्राप्त हो प्रेम करना आपके हाथ में है प्रेम प्राप्य है ये आवश्यकता ये और ये आवश्यक नहीं है प्रेम कीजिए जुनूनी मत बनिए प्रेम कीजिए हक मत जताइए प्रेम कीजिए टोकिए मत प्रेम कीजिए रोकिए मत प्रेम बांधने का नहीं आजाद छोड़ने का नाम है इसलिए प्रेम जरूर कीजिए क्योंकि जिंदगी में प्रेम जब तक है तब तक जिंदगी है क्योंकि जिंदगी में प्रेम नहीं है तो जिंदगी जिंदगी नहीं है लेकिन जिंदगी वो खूबसूरत चीजें बहुत बनाती है जैसे रुपया पैसा कार सोना आइए अब जो हमारा कर्तव्य है जो बीड़ा हमने उठा रखा है नई प्रतिभाओं को यहाँ लाने का और देश के समक्ष स्थापित करने का उसी कड़ी में एक ऐसा स्वर हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं जो बहुत दूर बिहार शरीफ से हमारे बीच में है बिहार में रहती है अल्पना भारती उनका नाम है वो आएंगे और अपना एक गीत पढ़ेंगे और मुझे विश्वास ही नहीं मैं दावा करता हूँ गीत सीधा आपके दिलों में उतरेगा और आप कहेंगे वाह भाई वाह तो हम स्वागत करेंगे पहली बार टेलीविजन पे अल्पना भारती बेटियां ऐसी पौध होती हैं जो वर्षों तक एक ही जमीन पर रहने के बाद भी दूसरी जमीन पर अपने आप को ढाल लेती हैं
एक गीत पढ़ती हूँ आप सभी के सामने। उसके मुखड़े को देखे बिन दर्पण कितना रोया हो। हाय हाय क्या पंक्ति है। उसने चौखट लांघी होगी आंगन कितना रोया। हाय 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 वाह वाह वाह। उसके मुखड़े को देखे बिन दर्पण कितना रोया होगा। चौखट लांगी होगी आंगन कितना रोया होगा। आए आए उसके मुखड़े को देखे बिन क्या बात है। तुलसी उसकी राह निहारे सांझ सवेरे दरवाजे पर अब रंगोली कौन उकेरे। क्या बात है। उसके आंचल से बांधा गठबंधन कितना रोया होगा। आए आए बात है अल्पना। इस आंगन की रौनक जब से हुई पराई पूरे घर में एक उदासी सी गहराई केवल रह गई पीछे यादों की परछाई। क्या बात है। उसने चौखट लांघी होगी आंगन कितना रोया होगा। उसके मुखड़े को देखे बिन। वाह 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 अल्पना बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया क्या बात है। इस गीत के बाद क्या कहा जाए। बेटियां जब चौखट लांग के किसी दूसरी चौखट में प्रवेश करती हैं तो निश्चित तौर पे सिर्फ आंगन ही नहीं उस घर का हर कण रोता है। सच कहा बिल्कुल अल्पना ने। गौरैया जो छत पे बैठी है वो किसे टेरे रंगोली कौन उकेरे वो गठबंधन रोया होगा वो चूड़ी वो कंगन रोया होगा उसके बाद जो बरसा वो सावन रोया होगा। निश्चित तौर पर एक अद्भुत गीत तुमने पढ़ा और मुझे खुशी है कि हम आपको यहाँ ढूंढ के लेके आए और आपने गीत पढ़ा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस तरह से प्यार जो है हमें देते हैं मोहब्बत करते हैं। ये प्यार और मोहब्बत यूं ही जारी रहेगी और हम यूं ही कहते रहेंगे वाह भाई वाह।